हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रियल नंबर, तो एक्सरसाइज नंबर 1.22 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के ऑलमोस्ट क्वेश्चन कर लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तीन संख्या, जो दूसरा क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, हमने दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाला था। यहाँ पे क्या निकालेंगे कि तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, वहाँ वेरीफाई करना था, यहाँ वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ बताना है इनको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नंबर दिया गया है तीसरे का हमारा, ठीक है, तीसरे का पहला जो दिया गया है वो नंबर है 12। सबसे पहले 12 लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद दिया है 15, उसके बाद है 21। ठीक है, अब किससे मेथड से आपको करना है, बाय फैक्टराइजेशंस मेथड। ठीक है, पहले फैक्टराइजेशंस कर लो इनका। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप फैक्टराइजेशंस करेंगे 12 का, तो यहाँ पे 2 से ले जाइए, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, ये हो गया फैक्टर। अब किस 15 का करना है आपको, 15 का क्या हो जाएगा, 3 5 15, फिर 5 1 5। इसी तरीके से 21 का करिए, 21 का हो जाएगा 3 7 21, 7 1 7। तो ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। तो यहाँ पे लिखिए 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसी तरीके से किसका निकलना है आपको, 15 का, 15 का क्या फैक्टराइजेशन है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 21 का 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आपको बताया था जो तीनों में कॉमन रहेगा, जो नंबर तीनों में कॉमन रहेगा, वही उसका क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन है, 3। ठीक है, तो 3 क्या है, एस सी एफ है, एस सी एफ आपका निकल गया, 3 SCF आपका निकलेगा। अब इसी तरीके से एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम का फंडामेंटल क्या है आपको बताता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे क्या है, 15, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ पे 21, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब जो नंबर कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे ही, ठीक है, उसको एक बार लिख देंगे। अब देखिए, अब जो बची संख्या, जैसे 2 हुआ 5 हुआ और यहाँ पे 7 हुआ, ठीक है, 7 हुआ, अब इसको क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा जो कॉमन है वो एक ही बार लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, 2 दूनी 4 3 12, 12 5 60, 60 सत्य कितना हो जाएगा आपका, 420। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो एचसीएफ आपका निकलेगा, एलसीएम निकलेगा आपका, एलसीएम, ठीक है, जो एलसीएम निकलेगा आपका 420, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, बहुत ही आसान है, पहले फैक्टर करो, उसके बाद एचसीएफ क्या है, जो कॉमन सब में वो क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ माइनस, और उसके बाद यहाँ पे जो जो कॉमन हो रहा है प्लस जो छूट रहा है उसको सबको लेना है नंबर, वो क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, जैसे 3 क्या है, कॉमन है, 3 एक बार लिख लिया, जो संख्या बची है 2 2 5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 420 आपका क्या हो जाएगा, लॉस है, एलसीएम। ठीक है, तो इसी तरीके से हर एक को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर लेंगे हम, सेकंड नंबर क्या है, 17 23 एंड 29। ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है, लस मस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए लस के लिए, देखिए फैक्टर तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं, 17 23 29, तो इनका फैक्टर बनेगा नहीं, तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 17 गुणते 1, और यहाँ पे 23 को आप लिख सकते हैं, 23 गुणते 1। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 29 को, 29 गुणते 1, तो यहाँ पे आप एस सी एफ लिख सकते हैं क्या, 1, चूँकि सब में 1 1 1 1 कॉमन है। ठीक है, इसको दोस्तों आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी फैक्टर, मतलब ये खुद से मतलब नहीं हो रहा, 1 से क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, 17 एकम 17 23 एकम 23 29 एकम 29। अब बात करते हैं इनके क्या, एलसीएम की। ठीक है, अगर आप बात करें एलसीएम की, तो तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। एलसीएम के लिए 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29,
तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई करेंगे 339, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ के लिए आपको 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एचसीएफ आ गया, लेकिन एलसीएम के लिए आप यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29, तो ये आपका आ जाएगा 11,339, ये क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर संख्या दिया है 8, 9, 25। ठीक है, यहाँ पे हम थर्ड नंबर देखेंगे। पहली संख्या है 8, दूसरी संख्या है 9, ठीक है, फिर उसके बाद है 25। ठीक है, तीनों संख्या लिख दिया। अब 2 से काटिए, 2 6 8, फिर 2 से काटिए, 2 2 4, 2 1 2, इसी तरीके से 3 3 9, 3 1 3, ठीक है, इसी तरीके से 5 5 25, 5 1 5। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 8 = यहाँ पे आप लिख लीजिए 8 = आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, क्या लिख सकते हो आप, 1। ठीक है, अब आगे लिखिए 9 को 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, से अगर मल्टीप्लाई कर गए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 5 25 का 5 × 5 × 1 हम इसलिए किए हैं कि कोई संख्या एचसीएफ निकलेगा नहीं, चूंकि इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखे, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम का। ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए 2 के पावर 3, और इसको कर दीजिए 3 के पावर 2, और इसको कर दीजिए 5 के पावर 2। अगर आप एलसीएम लिखेंगे, यहाँ पे एलसीएम की बात करें, तो ये हो जाएगा 1 × 2 3 × 3 × 5 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो जाएगा 1800। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ आपका 1 निकलेगा, एलसीएम 1800 निकलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, थर्ड नंबर। तो ये हमने थर्ड नंबर का एक एक क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 नंबर गिवेन है, गिवेन दैट एचसीएफ 306 306 657 = 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 657 का आपको एलसीएम बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फार्मूले के बारे में डिस्कस किया गया था, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ नंबर्स लिख लेता हूँ मैं, एचसीएफ 306 657 = 9 दिया है, और आपको फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, संख्या सेम है, तो मैंने बताया था एक फार्मूला वेरीफाई वाला। ठीक है, फार्मूला हमने बताया था क्या, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर = एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, ठीक है, ये आपको बताया गया था। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 306 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर 657, एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और एचसीएफ आपको क्या दिया है, 9। यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर भाग दे दीजिए, तो एलसीएम इजकल टू लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई बाई 657 / 9। ठीक है, अगर इसको देखिए काटेंगे पीटेंगे टोटल करेंगे, तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 22,338। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम, इस तरीके से ये निकलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप गुणा करेंगे और 9 से भाग देंगे तो 22,338 आ जाएगा। तो ये फार्मूला था फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इजकल टू एलसीएम एचसीएफ, चूंकि एचसीएफ 9 दिया हुआ था, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर आपको गिवन था, तो इसको तुरंत इधर कर दीजिए, डिवाइड हो जाएगा, और जो भी ये सॉल्व करेंगे ये आएगा 22,338, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, चेक, ठीक है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन बी इंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर फॉर n। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, चेक विद वेदर 6 पावर n कैन बी इंड, इंड हो सकता है डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नो। ठीक है,
क्या लिख सकते हैं, नो, चूंकि यहाँ पे जो सिक्स होगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू मल्टीप्लाई बाई थ्री पावर क्या है एन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू के पावर एन और थ्री के पावर एन। तो यहाँ पे अगर जीरो आता तो यहाँ पे जीरो जब आता यहाँ तब आता जब यहाँ पे आप जो मल्टीप्लाई है अगर फाइव का मल्टीप्लाई अगर टू से होता पाँच दूनी दस या दस से होता पाँच दहा में, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसी से टू से करेंगे, अगर सपोज करो पाँच को दो से मल्टीप्लाई करेंगे पाँच दूनी दस, तो जीरो इंड हो रहा है। बट यहाँ सिक्स है तो सिक्स यहाँ पे इंड नहीं होगा क्योंकि टू मल्टीप्लाई बाई थ्री के पावर एन करेंगे तो टू के पावर एन थ्री के पावर एन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मतलब सिंस सिंस देयर इज नो फाइव इन प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर आप बोल सकते हैं फैक्टराइजेशंस, फैक्टराइजेशंस ऑफ सिक्स एन, ठीक है, सिक्स एन का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो फाइव के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। कैन नॉट इंड विथ डिजिट जीरो, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा डिजिट जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन ला सकते हो लास्ट में लेकिन जीरो नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं आप अपने एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव तक हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो पढ़ने में ज़्यादा इन्जॉयमेंट आता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए दोस्तों, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स और सेवन, तो ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद।